जब किसी छात्र को प्रश्न का उत्तर देने में परेशानी होती है तो वह संकेत और सुराग का प्रयोग करते हैं। शिक्षक सही उत्तर नहीं देता है, लेकिन इसके बजाय छात्र को सही उत्तर ढूंढने में मदद करने के लिए कुछ सुझाव, सूचना या संकेत देता है। देखना और सुनना दो प्रकार के संकेत और सुराग हैं। देखने के संकेतों और सुरागों का कुछ उदाहरण हैं चेहरे का भाव, हाथ का इशारा, चित्र या वस्तु। सुनने के संकेत और सुराग छात्र को कुछ जानकारी देते हैं, जैसे एक शब्द की पहली आवाज कहना, जो उन्हें सही उत्तर ढूंढने में मदद करेगी। नंबर 6, याद रखें, जब किसी छात्र को एक प्रश्न के साथ कठिनाई होती है तो शिक्षक संकेत और सुराग का उपयोग कर सकते हैं, जो देखना और सुनना है। विद्यार्थियों को जवाब ढूंढने में मदद करके यह विधि उनके आत्मविश्वास को मजबूत करती है।